बड़े ही इंतजार के बाद मार्वल की तरफ से एक ऐसी मूवी देखने को मिली है जिसे देखने के बाद भी आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा कि ये मूवी मार्वल वालों ने बनाई है। जितना मार्वल 25 सालों में नहीं दिखा पाया उससे ज्यादा इस मूवी में आपको ब्लड देखने को मिलता है। कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, गालियां, ब्लड, ब्रूटल एक्शन सब कुछ दिखा दिया है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। देखो, अगर सच कहूँ तो मूवी की स्टोरी कुछ खास नहीं है, लेकिन किसको फर्क पड़ता है जब सामने डेडपुल और वुल्वरिन फाइट कर रहे हो। लेकिन फिर भी कहानी ऐसी है कि लोगन के मरने के बाद डेडपुल की दुनिया खत्म होने वाली है, जिसका इनडायरेक्ट रीजन है वुल्वरिन। अब अपनी दुनिया को बचाने के लिए डेडपुल दूसरे यूनिवर्स में एक नए वुल्वरिन के पास जाता है मदद मांगने, और वो दोनों मिलकर कैसे डेडपुल के यूनिवर्स को बचाते हैं और आखिर कौन है जो डेडपुल के यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी आपके टिकट के पैसे पहले 5 मिनट में ही वसूल करवा देती है जब डेडपुल की एंट्री हो रही होती है। पहले 5 मिनट में ही हमें ये एहसास दिलाया जाता है कि ये मूवी ब्रूटल जाने वाली है। अब इस मूवी का काम था डेडपुल और वुल्वरिन को एमसीयू में लाना और अच्छे से इंट्रोड्यूस करना, जो ये मूवी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से करती है। पूरी मूवी फास्ट पेस पे चलती है, जो आपको कहीं भी अपनी सीट से उठने नहीं देगी। और ऊपर से मूवी के डायलॉग्स, पता नहीं डायलॉग राइटर ने क्या खा के डायलॉग्स लिखे है, सब एक से बढ़कर एक। मैंने ये मूवी हिंदी में देखी क्योंकि मुझे पता था कि इस मूवी का हिंदी डब बहुत ही कमाल का होने वाला है। ये पूरी मूवी एक सरप्राइज पैकेज है मार्वल वालों की तरफ से, जिसमें बहुत सारे कैमियोस देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे कैमियोस थे जिसे देखकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा था। पूरी मूवी में मार्वल वालों की जमके खिल्ली उड़ाई गई है। हर दूसरे डायलॉग में डेडपुल आपको मार्वल के ऊपर एक जोक सुनाएगा जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। शॉन लेवी ने मार्वल की दी गई हुई फ्रीडम का जमके गलत इस्तेमाल किया है। पूरे मार्वल स्टूडियो और डिज्नी को एकदम मजाक बना के हमारे सामने रख दिया है। बात करें रियान रोनाल्ड्स की, तो डेडपुल का कैरेक्टर इस बंदे से अच्छा और कोई प्ले नहीं कर सकता था, ये तो मानना पड़ेगा। पूरी मूवी इनके कंधों पर ही थी क्योंकि इन्होंने ही पूरी मूवी में अपनी कॉमेडी से 4 चांद लगा दिए हैं। और ह्यू जैकमैन अपने वुल्वरिन के कैरेक्टर में हमें वापस देखने को मिलते हैं। अब इससे एक बात तो पक्की है कि इस मूवी से मार्वल का कमबैक हो चुका है। तो मोटी मोटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मूवी को देखने जाने का सोच रहे हो तो जाओ, बिल्कुल भी मिस मत करना इसे, क्योंकि क्या पता आखिर कब हमें डेडपुल वापस देखने को मिले। और हाँ, अगर जा ही रहे हो तो मूवी को हिंदी में देखना, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। मेरा रॉकेट पॉकेट में नाच रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय।